चंडीगढ़ के मीडिया का सोशल मीडिया प्रिंट इलैक्ट्रॉनिक सारे मीडिया का स्वागत है। शॉर्ट नोटिस से जो भी असं बुलाने तुम आने और अपने इन्होंने माइकों राही साड़ी आवाज़ ना कैमर राही साड़ियाँ तस्वीर जड़िया ने पूरी दुनिया के नसर करते हो। सब तो पहला अज मैं पंजाबियों पौने 3 करोड़ पंजाबियों इस गल की बधाई देनी चाहना कि काफ़ी लंबे समय तो उड़ीकया जा रहा चोन जाबता जोड़ा वो लागू हो गया। 14 फरवरी फैसले का दिन तो 10 मार्च उस फैसले नू सुनाउन दा दिन आ गया। को इंसीडेंट कह लो संजोग कह लो कि पिछली 14 फरवरी नू दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सौ चुकी सी। सो इस पर 14 फरवरी असी लोगों को बहुत देर तो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी हफ्ते दो दो तीन तीन दिन इत्थे भी आउंदे रहे हैं। वो गरंटियां जिहड़ियां कि पूरियां होणगियां वो दिंदे रहे गरंटियां। मैं भी पिछले कई दिनों तो बड़िया बड़िया रैलियां तुसीं देखियां होणगियां मानसा बोहा कल कोटकपुरा सी जैतों सी उधर तरन तारण पट्टी गए सी अजनाले गए सी दसूए गए सी। सो सारा पंजाब असी कवर कर रहे सी। इलेक्शन कमीशन ने कल गाइडलाइन दित्तियां ने असी उन्हां नूं फॉलो करांगे और जिहड़ियां गाइडलाइनज ने वो साडी पार्टी नूं बहुत सूट करदियां ने क्योंकि डोर टू डोर दे असी माहिर हाँ। दिल्ली दे विच डोर टू डोर कंपेन करते हैं साडे जिहड़े वलंटीयर ने इत्थे भी असी जिहड़ी भी गरंटी लैके जांदे सीगे उन्हां दे फार्म भराउणे रजिस्ट्रेशन करवाउणी तां असी ऑलरेडी एक डोर टू डोर तां कर चुके हैं सारे पंजाब दा होर भी करांगे। नंबर 2 ते सोशल मीडिया ते ये मैसेज जा अपनी स्पीचेज जा अपना रोड मैप जिहड़ा जारी करना है उहदे भी असी स्पैशलिस्ट हाँ जी सोशल मीडिया दे क्योंकि साडे कोल जनूनी ने जिहड़े साडे भमक्कड़ ने जिहड़े साडे वलंटीयर ने दूजियां पार्टियां नूं शायद जिहड़ी आ ओह कंप्यूटर भी जां ओह पूरा आईटी सैल तनखाह ते रखणे पैणगे। साडे वाले जिहड़े ने जनूनी ने ये फर्क है वो पंजाब नूं प्यार करदे ने वो आपदे भविख नूं देख रहे ने आम आदमी पार्टी चों। बाकी साडे कोल बुलारे पढ़े लिखे ने संघेड़ा साहब ने अक्सर तुसी तुहाडे डिबेट्स बहिंदे ने और तत्थां नाल गल करदे ने। बरसठ साहब ने जदों मौका मिलदा इन्हां कोल ये तजर्बा है वो है। बाकी साडे जिन्ने भी डिस्ट्रिक्ट लैवल ते बुलारे ने पढ़े लिखे यूथ भी है और तजर्बा भी है जोश भी है ते होश भी है ते बाकी तुहाडे नाल अक्सर हुण संवाद हुंदा रहूगा क्योंकि जे रैलियां 15 तो बाद तक ना उन्होंने कहा कि नहीं देख रहे ने कोरोना की सिचुएशन तो फिर मीडिया के डिबेट्स के मैं तो चाहूँगा कि एक कुर्सी नवजोत सिंह सिद्धू की लगे एक कुर्सी चन्नी साहब की लगे एक कुर्सी सुखबीर बादल होर की लगे एक कुर्सी होर बाकी पार्टियां जिहड़ियां लड़ रही उन्होंने प्रधानों की लगे एक कुर्सी मेरी लगे तो कनेडा अमरीका वांगू डिबेट्स ते मुद्दों ते इस बार इलेक्शन लड़ी जाए जिन्हों सारे लोग घर बैठे देख सकन। परमात्मा जो करता सही करता नहीं तो रैलियों के जाने कट्ठ आता साढ़ा तो अपने आप आ आप मुहारे आते असं कोई लालच या दिहाड़ी नहीं देंगे तो दूजिया पार्टियां बड़ा कुछ करना पैंता रैलियां कट्ठ दिखाने वास्ते क्योंकि उन्होंने जो सरकार से उदो कुछ किया नहीं तो फिर कट करने वास्ते उन्होंने कुछ ना कुछ होर तरीके अपनाने पैंदे आ। सो असी स्वागत करते हैं
इलेक्शन कमीशन दे इन्हां गाइडलाइनस का बिल्कुल पूरी तनदेही नाल असी लड़ना है। तो जिस तरह का अंडर करंट जिस तरह का माहौल असी देखिया लोग नवी कहानी लिखण नू काले ने, इस करके कल चोण जाबते की भी खुशी मनाई गई है बहुत सारे इलाकों कि शुक्र है साडा खैड़ा छुटिया इन्हां तों, ते जिहड़ी सरकार है हुण चोण जाबते की वह इलैक्शन कमीशन की है कि शुक्र है आ सानू कोई नवा ऐलान सानू कोई नवा गप जां नवा बोर्ड पंजाब दे विच देखण नू नहीं मिलेगा। हुण वो बोर्ड उतर गए ने। सो मैं उम्मीद करदा इलैक्शन कमीशन तों कि निरपक्ष जिहड़ी है पारदर्शिता वाली जिहड़ी इलैक्शन इत्थे होगी। पौने 3 करोड़ पंजाबियों नू अपील भी करदा कि बहुत सारिया पार्टियां है जिहड़ियां जिहड़ी नफरत फैलाउण दियां स्पैशलिस्ट ने, वो किसी धर्म के नाते जां कोई इस तरह का तोड़फोड़ करके पंजाब दी इलैक्शन नू पोलराइजेशन करन दी भी कोशिश करनगे, पर आपां भाईचारक सांझ नहीं तोड़नी, आपां एकता बना के रखनी है, अमन शांति। और एक मजबूत सरकार आम आदमी पार्टी की 10 मार्च नू आ रही है, उस तो बाद पंजाब दा हर वर्ग जिहड़ा वो खुश होगा, किसी नूं धरने नहीं लाने पैने, किसी नूं टावर ते चढ़ना नहीं पैना, किसी नूं टैंकियां ते नहीं चढ़ना पैना, किसी नूं लाठीचार्ज का जां वाटर कैनन का सामना नहीं करना पैना, क्योंकि जदों नीयत सच्ची होवे तां पंजाब दा खजाना जिहड़ा जदों माफिया का सारा पैसा जिहड़ा हुण लीडरां दे घरां वल जांदा है उहदा जिहड़ा रुख है पंजाब दे खजाने वल कीता, तां पंजाब दे विच कोई इहो जिहा स्कूल नहीं होगा जिथे खजाना खाली होण करके टीचर नहीं रखे जा रहे, पंजाब दे विच कोई इहो जिहा हस्पताल नहीं होगा जिथे दवाई जां डाक्टरां दी घाट करके किसी नूं जान गवाउणी पै जाए। सो इस गल दी गरंटी लैंदे आ कि बिल्कुल रोड मैप तैयार है, कल्ले कल्ले वर्ग दा रोड मैप तैयार है, आने वाले दिनों तुहानूं असीं उहदे बारे विस्तार नाल दसदे भी रहांगे। सो 14 फरवरी नूं मैं पंजाब दे लोगों नूं अपील करदा कि शहीदां द्वारा लखां शहीदां द्वारा कुरबानियां दे के जिहड़ा वोट पाउण दा अधिकार मिलिया उहनूं जरूर इस्तेमाल करियो, किसे लालच 'च ना आयो, किसे रिश्तेदारियां दे दबाव 'च मामे फुफड़ मासड़ उहनां दे दबाव 'च ना आयो, पंजाब दे भविख लई वोट करियो, अपने बच्चों के फ्यूचर लई वोट करियो। असीं बहुत देख लिया लुट, बहुत देख ली कुट, सो सिर्फ कल्ले पग्गां दे रंग ही बदलते सी, सरकारां दे रंग उही रहिंदे सी। सो इस करके मैं उम्मीद करदा कि अमन अमन अमान नाल पंजाब दी इलैक्शन दा जिहड़ा प्रोसैस है वो कंप्लीट होगा, और परमात्मा अगे अरदास करदे आ कि पंजाब नूं ते अपना मेहर भरिया हथ रखे, तो पंजाबी जिहड़े ने वह नवी कहानी लिखण लई मन्ने गए ने, भावें वह आज़ादी की लड़ाई होवे पंजाब तो शुरू हुई सारा मुल्क आजाद होया, हरी क्रांति पंजाब तो शुरू हुई सारे मुल्क दे नाज दे भंडार भरे गए, पंजाब जिहड़ा नवें इनकलाब नूं छेती अडोप्ट करदा है। सो मैनूं उम्मीद है कि 10 मार्च नूं 8 बजे गिणती शुरू होगी, 10 बजे तक पंजाब जिहड़ा वो एक नवी कहानी लिख चुका।